साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज की जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, अगर ये आप पूरे श्रद्धा विश्वास से कर लेते हैं और महादेव की कृपा यदि आपके ऊपर हो जाती है तो आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी है वो आपकी बीमारी से संबंधित हो सकती है, धन से संबंधित हो सकती है, या कोई भी आपकी मनोकामना है वो आपकी दोस्तों दूर हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और जो आपकी परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। महादेव जो है ये देवों के देव हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देव के आगे महाशब्द नहीं लगा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ यानी शंकर भगवान के सामने महाशब्द जुड़ा हुआ है। महादेव जो देवों के देव हैं, जिस पर महादेव की कृपा बरस पड़ती है तो समझ लीजिए कि उसके सारे संकट दूर, नवग्रह भी उनसे डरते हैं। तो आज का जो मैं उपाय आपको बताऊंगा, अगर आपकी जिंदगी में कर्ज की समस्या है, पैसों की समस्या है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, या आपकी कोई बड़ी मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए, या कोई बहुत बड़ी परेशानी है आप चाहते हैं कि वो परेशानी मेरी दूर हो जाए, शत्रु आपको परेशान करते हैं, कोई भी आपकी वो हो सकती है, आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, बच्चे सही ढंग से आप बात नहीं सुनते हैं, या कोई भी आपकी परेशानी है वो आपकी 100% दूर हो जाएगी। महादेव जो है दोस्तों सुप्रीम गॉड है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां उनमें समाई हुई है और महादेव अघदानी है। एक लोटा आप अगर उनको जल चढ़ा देते हैं तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव बहुत भोले हैं और आज मैं आपको महादेव का एक बहुत प्यारा सा उपाय देने वाला हूं। दोस्तों इस प्रयोग को आपको करना कैसे है, आपको इस प्रयोग को सोमवार के दिन में करना है, ठीक है, सोमवार के दिन में करना है। अगर आप इस प्रयोग को घर में आपकी यदि आप किसी एक सदस्य बहुत ज्यादा परेशानियों से ग्रस्त है, अब जैसे कि वो बीमारी से हो सकता है, कोई असाध्य रोग है, उस रोग से आप चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, या फिर बच्चों को स्टडी में परेशानी हो रही है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर आप लोग को जॉब की नौकरी की समस्या है, व्यवसाय की समस्या है, या फिर आपकी जिंदगी में कर्ज की समस्या है। कर्ज की समस्या दोस्तों मेरे पास में बहुत कमेंट्स आते हैं कि कर्ज की समस्या से मुक्ति चाहिए, तो इस प्रयोग के लिए वो व्यक्ति करे जिसको जो कपड़ा जो यूज करना है उस व्यक्ति का यूज करें जो कर्ज की समस्या से ग्रसित है। और यदि पूरे घर में परेशानी है, पूरे सभी सदस्य परेशान है, तो घर का जो मेन मुखिया है, आप वो स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, जो मेन मुखिया होगा उसका कपड़ा आपको यूज करना है सोमवार के दिन में, ठीक है। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि दोस्तों पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आपको ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की जरूरत है तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ठीक है। दोस्तों आपके एक शेयर से और लोगों का ही भला हो सकता है, अच्छा काम है दोस्तों, पुण्य का काम है, शेयर जरूर करिए, ठीक है। दोस्तों प्रयोग को दोस्तों आपको करना कब है, सोमवार के दिन में, ठीक है। अब इसमें आपको जरूरत किस चीज की पड़नी है पहले वो आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको मिट्टी के दो दिए चाहिए, दो बड़े आपको मिट्टी के दिए लेने हैं, साथ में आपको चावल लेने हैं, साबुत चावल लेंगे, और उस व्यक्ति का कपड़ा लेना है जो परेशानियों से ग्रसित है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोई यदि पूरे घर में परेशानी चल रही है तो घर का जो मेन मुखिया होगा उसका कपड़ा ले लें आप, और यदि कोई एक व्यक्ति है, कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा परेशानियों से ग्रस्त है तो उसका कपड़ा ले लें आप, ठीक है। अब एक मसाले में यूज जो होती है जावित्री जिसे कहा जाता है, ठीक है, आपको मसाले वाली दुकान में या फिर किराने स्टोर में आसानी से मिल जाएगा जावित्री, एक आपको जावित्री लेकर के आनी है, मसाले वाली होती है साबुत, एक जावित्री आप लेकर के आ जाएं, ठीक है। और सरसों का तेल और नमक जो होता है खड़ा नमक जो होता है डिगले वाला सिया सॉल्ट, ठीक है, चार पांच पीस आपको इसके लिए लेनी है। सोमवार के दिन में आपको क्या करना है, सोमवार के दिन में घर में आपको आपको जो पूजा स्थान है वहां पर बैठ जाएं, ठीक है। अब एक जो आपने दिया लिया हुआ है उस दिया में आपको चावल भर देंगे, चावल के ऊपर आपको थोड़ा सा नमक 8-10 डिग्री होंगे सिया सॉल्ट के, उसके ऊपर वो रख देंगे,
ठीक है। अब एक जो एक दिया में तो आपने ये रख दिया, अब जो दूसरा दिया होगा उस दिया में आपको क्या करना है, सरसों का तेल डाल देना है। और उस व्यक्ति का कपड़ा चाहे तो आप घर के मेन मुखिया का ले सकते हैं कि सारे सदस्य परेशानियों से मुक्त हो, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है जो असाध्य रोग से पीड़ित है या परेशानियों से ग्रसित है, ठीक है, तो उसका कपड़ा ले लें, उसकी मोटी सी बाती बना लें। अभी आपने एक चीज और करनी है दोस्तों, कि आपको जावित्री जो ली हुई थी, आपने जावित्री, आपको जो चावल और आपने सिया सॉल्ट नमक रखा हुआ था उसके ऊपर आपको जावित्री भी रख देनी है। अब आपको जो कपड़ा है उसका, जो व्यक्ति का कपड़ा होगा उस कपड़े की आपको मोटा सा कपड़ा फाड़े, कपड़ा फाड़ करके उसकी एक बाती बना लें, दिया में उस बाती को रख दें और सरसों का तेल डाल दें, ठीक है। सरसों का तेल डालने के बाद में जो आपने जो दिया जो सरसों का तेल का लिया हुआ है इसमें से जावित्री जावित्री उठा करके आपको, दोस्तों याद रहे कि आपको बाती इतनी मोटी बनानी है कि जब आखिरी में जब बाती जल जाती है, जब बाती आखिरी में पूरी जब जलेगी तो जावित्री की थोड़े से टुकड़ा भी उसमें जल जाए, अगर जावित्री पूरी जल जाती है तो बहुत बेस्ट है, इतनी मोटी बाती बना ले। तो वो जावित्री जो आपने उठाई हुई थी ये आपको तेल वाले दिए में डाल देनी है, ठीक है। और बाती में दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इतनी मोटी आप बनाए कि जब आखिरी में बत्ती जब पूरी जले तो जावित्री का भी अंश, अगर जावित्री पूरी जल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो जावित्री का थोड़ा सा हिस्सा जल जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये जो दिया जो लिया हुआ है सरसों का तेल का, इस सरसों के तेल के दियो को आपको चावल और नमक जो आपने दिया रखा है उसके ऊपर रख करके आपको इसको जला देना है, दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने इस प्रयोग को दोस्तों सोमवार के दिन करेंगे, गुप्त रूप से करेंगे, घर के सदस्यों के अलावा किसी को आपको ये बताना नहीं है, नहीं तो आप सब जगह बताते फिर मैं ये प्रयोग कर रहा हूं, ये सब आपको नहीं करना है, आपको गुप्त रूप से करना है इसको, किसी को बताना नहीं है। हाँ किसी को जरूरत है तो आप ये रेमेडी बता सकते हैं कि इस विधि से आप करेंगे तो आपके भी संकट दूर हो जाएंगे, लेकिन आप कर रहे हैं ये प्रयोग आप किसी को नहीं बताएंगे। अब जब दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे तो आपको उसको दोनों हाथ में लेकर के शिवालय चले जाना है। अब रास्ते में कोई देख रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, अगर घर में प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस दियो को उठा करके सीधे शिवालय चले जाएं, शिवलिंग के पास में जाएं, किसी कोने में बैठ जाएं। आपको बस ये याद रखना है शिवलिंग के सामने जो ज्योत का जो मुख होगा वो शिवलिंग के सामने होना चाहिए, ठीक है, शिवलिंग के सामने उसकी ज्योत का मुख होना चाहिए। ऐसा करके अगर आप घर में प्रज्वलित करके नहीं ले जा सकते हैं तो शिवालय में ले जाकर के प्रज्वलित कर लें। अब वहां पर आपको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके तेल भर दें सरसों का और वहां पर एक कोने में उसको रख दें, और रखने के बाद में भगवान शंकर के सामने जाएं, ठीक है। रखने से पहले आपको दोस्तों एक काम करना है, आप जो हाथ में दिया लिया हुआ था दिया में लेकर के आपको ये सोचना है कि आपकी जो परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल गई है, भगवान शंकर से आपको प्रार्थना करनी है कि इस परेशानी से मुझे मुक्ति मिल गई और धन्यवाद देना है। आपको विजुलाइज करना है कि वो परेशानी आपकी दूर चली गई है, आपकी जिंदगी में छुटकारा मिल गया उस चीज से, आपको ये विजुलाइज करके और महादेव को धन्यवाद कर दीजिए, बस फिर वो महादेव अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में दिया आप किसी कोने में रख दें और बत्ती का जो मुख होगा वो शिवलिंग के सामने होगा। अब शिवलिंग के सामने बैठ करके आपको क्या करना है, वहां पर जो तीन मंत्र हैं, मैं आपको आपको तीन मंत्र दे रहा हूं, इन मंत्र का तीन तीन बार आपको जाप करना है। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये तीन बार आप जाप करेंगे, फिर ओम रुद्राय नमः ये तीन बार जाप करेंगे, और ओम महाकालाय नमः ये तीन बार जाप करेंगे, ठीक है। इन तीनों मंत्र को पढ़ने में आपके नौ बार मंत्र हो जाएंगे, नौ मंत्र का उच्चारण हो जाएगा। बस इतना करके वो दिया जो आपने रखा हुआ था उसको वहां रखे रहने देंगे, इतना तेल डाल दें कि जितना देर तक जलता रहे पूरा दिया भर दें, थोड़ा सा बड़ा साइज में दिया ले लें, और सरसों का तेल ही आपको यूज करना है, इससे आपके शनि राहु केतु बाकी सब ग्रह भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे। और जो पुराना कपड़ा लिया हुआ था दोस्तों याद रहे, कपड़ा आपको ऐसा लेना है जो यूज किया हुआ हो, कम से कम 2-3 महीने यूज किया हो ऐसा कपड़ा आपको लेना है, क्योंकि कपड़े में जितनी भी आपकी नेगेटिविटी होगी, जो असाध्य रोग ग्रहों की दशा, जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं सारी वो महादेव हर लेंगे। छोटा सा प्रयोग है, पूरे श्रद्धा विश्वास से आप करके देखिए इसको, और अपने अनुभव मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने काफी लोगों को पर्सनल, मैंने जो मेरे सब्सक्राइबर है जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं उनको मैंने ये रेमेडी दी, उनको बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए ये रेमेडी मैं आपके सामने लाया हूं। तो इस रेमेडी को पूरी श्रद्धा विश्वास से आप करिए और फिर देखिए आपको 100% इसका गजब का रिजल्ट मिलेगा। जो लोग कर्जवान है कर्जा के लिए विनती करें, जो लोग रोग से पीड़ित हैं रोग के लिए विनती करें, आपको नौकरी चाहिए नौकरी के लिए विनती कर लें, आपका कोई बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है उसके लिए विनती कर लें,
शत्रु परेशान कर रहे हैं उनके लिए विनती कर लें, या कोई भी आपकी मनोकामना है मनोकामना पूर्ति के लिए विनती कर लें। हर चीज के लिए आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका कपड़ा यूज करना है, और घर के सभी सदस्यों में परेशानी है तो घर के मुखिया का कपड़ा यूज करना है आपको, ठीक है। सोमवार के दिन इस प्रयोग को करना है, गुप्त रूप से करना है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लेकिन पूरी सावधानी से, श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था के साथ में इस प्रयोग को महादेव पे विश्वास करके जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।